वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम डेटा इंटर करना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग SPSS में डेटा इंटर कर सकते हैं। SPSS लाइक स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेस, इसमें हम लोग क्वेश्चनेयर जो हम लोगों ने फिल करवाया है, फिल करवा के हम लोगों ने रिस्पॉन्डेंट से लिया है, अब उस क्वेश्चनेयर का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने वो डेटा SPSS में इंटर करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने SPSS को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे SPSS 16 की क्लास अब स्टार्ट रहने वाली है। तो हमारे पास SPSS जब प्रोग्राम ओपन होता है तो हमारे पास इस तरह से टू विंडोज़ SPSS के जो है सॉफ्टवेयर उसकी ओपन होती है, ठीक है। फर्स्ट इज डेटा एडिटर। डेटा एडिटर की जो है विंडो है वो हमारे पास आ जाती है और इसमें हमारे पास टू जो व्यूज़ हैं, एक डेटा व्यू होता है और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरिएबल व्यू। लाइक टू व्यूज़ हम जो है वो इसमें SPSS में देख सकते हैं, ठीक है। अब डेटा व्यू क्या है और वेरिएबल व्यू क्या है? SPSS को जब हम डेटा एंटर करते हैं, ठीक है, डेटा को जब हम एंटर करेंगे, जो हमने क्वेश्चनेयर फिल करवाया है किस रिस्पोंडेंट से, जो हमने डेटा गैदर किया है या क्वेश्चनेयर फिल करवाया या हमने कंटेंट एनालिसिस किया है, हमने कहीं से जो है वो कंटेंट लिया है, हमने उसको एंटर करना है, तो हम लोग डेटा व्यू ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग लाइक एंटर करेंगे अपना डेटा, ठीक हो गया। अब जो वेरिएबल व्यू है उसका मतलब क्या है? वेरिएबल व्यू का मतलब ये है कि हमने जो डेटा इंटर किया, ठीक है, जो हमने डेटा इंटर किया लाइक इनपुट जो दी, उसकी जो आउटपुट को व्यू करना है वो हम करेंगे यहाँ पे वेरिएबल व्यू, ठीक है। या हम उसको वैल्यूज़ को देखेंगे, लेबल्स को देखेंगे, मिसिंग जो केसेस होते हैं उनको देखेंगे, टाइप कौन सी है और विड्थ कितनी है, डेसिमल कितनी है, वेरिएबल का नेम क्या था, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं डेटा व्यू में, ठीक है, वेरिएबल व्यू में। डेटा व्यू की तरफ चलते हैं। डेटा व्यू में हमारे पास जो सबसे पहले जो मेन्यू बार है, इसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज आपको नज़र आ रहे होंगे। हम चलते हैं फाइल की तरफ। फाइल में सेम जो है, जैसे आपके पास वर्ड की फाइल ओपन होती है, उसमें हमारे पास आ जाता है न्यू फाइल हमने ओपन करनी है, ओपन करनी है जो ऑलरेडी जो हमने डेटा सेव किया होगा उसको ओपन करने के लिए, ओपन डेटा बेस, सेव, सेव एज, सेव ऑल डेटा। लाइक हम लोग इंटर कर रहे होते हैं डेटा और हम लोग जो है वो 20 पे पहुंच जाते हैं और अगेन हम सेव एज करने की बजाय हम सेव ऑल डेटा कर लेंगे, ठीक है। यानी हर एक वो जो है हम इंटर करते जा रहे हैं उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट है, एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एडिट। एडिट में अनडू है, कट है, कॉपी है, इंसर्ट। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है इंसर्ट वेरिएबल। इंसर्ट वेरिएबल का मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास ये हम लोग इंटर कर चुके, फिर हमने डेटा को अगेन देखा तो हमें कोई चीज़ मिसिंग लगी और वो भी हमने सीक्वेंस में मिसिंग लगी। लाइक 1, 2, 3, 4 हम लोग इंटर करते गए लेकिन हम कोई एक वैल्यू जो थी लाइक 5 जो है वो मिस कर दिया या 6 मिस कर दिया, तो हम एडिट में जाएंगे और एडिट में जाके हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट वेरिएबल कर देंगे कि आपके सामने एक अलग से वेरिएबल इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इजीली बजाय कि हम न्यू फाइल बनाएं, हम इजीली वहीं पे करेक्शन कर देंगे, ठीक है। व्यू में हम आते हैं तो हमारे पास स्टेटस बार, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ब्लॉक्स की फॉर्म में, हमारे पास स्प्रेडशीट हमारे पास ओपन हुई हुई है, तो इसके कहते हैं ग्रिड लाइन। समटाइम हमें जो है वो ग्रिड लाइन जो है वो चाहिए होती है, कुछ केसेस में नहीं लोग यूज़ करते, लेकिन मोस्टली हम लोग जो है वो क्या करते हैं ग्रिड लाइन और शो कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले हम कहाँ पे कौन से कॉलम कौन सी रो में डेटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से रिमूव करना चाहें तो ग्रिड लाइन ये देख लें, ये हमारे पास व्यू नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा, ठीक है। डिफाइन वेरिएबल प्रॉपर्टीज़, डिफाइन डेटा प्रॉपर्टीज़, ये वैलिडेशन है, डुप्लीकेशन है, सॉर्ट केसेस हैं, वेरिएबल है, ट्रांसपोर्ट है, ये हमारे पास अभी हमारे पास इन चीज़ों का काम नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लेंगे, इसलिए हमें इनको टच करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूट वेरिएबल। कंप्यूट वेरिएबल जो है, हम लोग सोच रहे होंगे कि ये कंप्यूट वेरिएबल का क्या मतलब है। कंप्यूट वेरिएबल का मतलब ये है कि हमने, हमारे पास क्वेश्चन एक है, उसके डिफरेंट आगे से
पार्ट्स हैं, सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसमें एक ही पर्सन की उसने पूछी हुई है, उसकी हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी जो हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं चीज़ें। तो ये तीन चीज़ें जब लिंक कर रही हैं तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक स्टेज वो भी आती है SPSS में जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कंप्यूट वेरिएबल की। कंप्यूट वेरिएबल का क्या मतलब ये है कि हमने उस पर्सन का नाम लिखना है और तीनों करेक्टरिस्टिक उसमें मर्ज कर देने हैं, यानी हमारे पास पर्सन का नाम लिखते ही तीनों वेरिएबल्स की डिफरेंट जो एंट्रीज होंगी वो सामने आ जाएंगी, तो हमारे पास ये कंप्यूट वेरिएबल हो गया, ठीक है। उसके अलावा काउंट वैल्यूज हैं, डेट एंड, ये तमाम चीज़ें हमारे पास अभी हमने स्टार्ट नहीं लेना, इनका एनालाइज में जाते हैं। तो सबसे अगर मेन्यू बार में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे हम लोग डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं, जो पूरे प्रोग्राम का अगर हम बात करें तो मेन जो मेन्यू होता है वो एनालाइज होता है, जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं केस समरीज होती हैं, रिपोर्ट समरीज होती हैं, रोज में जो रिपोर्ट समरीज होती हैं, कॉलम्स में जो रिपोर्ट समरीज होती हैं, लाइक रोज एंड कॉलम्स में जो समरीज होगी वो नज़र आएंगी। डिस्क्रिप्टिव डेटा जो सबसे बेसिक डेटा होता है, हमने क्या करना है वहाँ पे, हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज हम मेयर करेंगे, ठीक है, क्रॉस टेबुलेशन करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे, प्लॉट्स देखेंगे, टेबल्स होंगे, कस्टम्स। तो ये तमाम जितनी चीज़ें हैं जो हम लोग स्टेप वाइज कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ में हम देखते हैं, लीनियर वेरिएबल्स में हम लोग देखते हैं कि कौन से एड ऑन करने हैं, एप्लीकेशंस हैं, विंडोज हैं, हेल्प है, ठीक है। अब हम चलते हैं डेटा इंटर करने की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ले लेते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर व्यूअर्स आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब का बटन अभी से दबा दें ताकि आपको, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको नए आने वाली जो भी वीडियो होगी SPSS की नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी वो आप देख सकेंगे। और उसके साथ साथ ये आप लोग वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे ये वीडियो तो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। तो सब्सक्राइब करने के बाद हम चलते हैं SPSS में डेटा एंट्री की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमने कहा हम वेरिएबल व्यू में आ गए हैं और वेरिएबल व्यू में हम लोग जो है वो अपने जो आपके पास क्वेश्चनेयर जो है वो आपके पास वर्ड में भी ओपन होगा, चाहे तो आप वर्ड में ओपन कर लें या आपके सामने जो आपका PDF है उसमें भी ओपन हो सकता है, ठीक है। तो मैं अभी वर्ड में से क्वेश्चनेयर ओपन कर लेती हूँ। जैसे कि क्वेश्चनेयर है इसमें सबसे पहले जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीन जो आपके जो स्टार्ट का डेटा होता है, लाइक आपके जेंडर हो गया, एज होगी, क्लास होगी, एरिया हो गया, इनकम होगी, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है, और रिसर्च क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है प्लीज़ स्टेट योर जेंडर। यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके आगे से ऑप्शंस इसी तरह से होंगे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है अगर स्टेट योर जेंडर, तो इट्स मीन ये पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास जेंडर से रिलेटेड है, दूसरा एज है, और तीसरा जो है वो हमारे पास क्लास है, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं जेंडर की तरफ, ठीक है। हमने ये SPSS ओपन किया, वेरिएबल व्यू में आए, यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद यहाँ हम इंटर करेंगे जेंडर, ठीक है। हमने जेंडर इंटर किया, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जेंडर के बाद हमारे पास क्या चीज़ थी, हमारे पास दूसरे नंबर पे थी एज और तीसरे नंबर पे थी क्लास, ठीक है, जेंडर, एज और क्लास थी, ठीक है। इसका सबसे सिंपल वे ये है कि आपके सामने आपका जो PDF की फॉर्म में है या वर्ड की फॉर्म में जो भी आपका है क्वेश्चनेयर, ठीक है, आप क्वेश्चनेयर को सामने रखें। क्वेश्चनेयर को सामने रखने का ये होगा कि आप लोग इजीली जो है वो कर सकेंगे। बेशक आप टू विंडोज़ भी ओपन कर सकते हैं आमने सामने, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं जेंडर। जेंडर के बाद हमारे पास आ जाएगा एज, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है क्लास, चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एरिया, और एरिया, अब एरिया ऑफ रेजिडेंस है, ठीक है, यानी मोर देन टू वन वर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है,
स्पेस यूज ना करने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे वर्ड में हम वर्ड लिखते हैं और उसके बाद स्पेस का ऑप्शन क्लिक करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे हम स्पेस की बजाय हम लोअर केस जो है वो प्रेस करेंगे, ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट के साथ हम करेंगे लोअर केस, ठीक हो गया। अब ये क्या है हमारे पास लोअर केस के बाद हम जाते हैं एरिया ऑफ रेजिडेंस, यानी यहाँ पे हमने शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चीज जो आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, वो आप यहाँ पे हमारे पास है इनकम, ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास ठीक है यहाँ तक हम कर लेते हैं फिर साथ साथ। अब हमारे पास टाइप है, टाइप यानी न्यूमेरिक के फॉर्म में आपने डेटा एंटर करना है, लाइक 1, 2, 3, 4। विड्थ का मतलब ये है कि वो उसकी कितनी विड्थ होगी, यानी टू कितने जो है वो टाइप न्यूमेरिक है। विड्थ हमारे पास 8 डिजिट की तरह से है, यानी 8 मोर देन 8 डिजिट हम लोग जो नहीं कर सकेंगे यहाँ पे इंटर। डेसिमल लाइक 2 डेसिमल का मतलब ये है कि ये डेसिमल हम 1 से लेकर 10 तक भी यूज़ कर सकते हैं, 12 भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से डेसिमल। लेबल, लेबल का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं एंटर कर ले, लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं, कुछ रिसर्चेस ऐसी होती हैं जिसमें हम लोगों ने लेबल भी जो है वो मेंशन करना होता है। लाइक हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर जेंडर, यानी यहाँ पे हम कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर जेंडर, ठीक है। ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन अगर आपकी रिसर्च डिमांड कर रही है तो आप यहाँ पे पूरा लेबल कर सकते हैं। वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे से हमारा ये काम स्टार्ट होता है वैल्यूज़ एंटर करना, वैल्यूज़ की तरफ, ठीक है। जैसे ही आप वैल्यूज़ के उस पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नन, जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 1, 2, 3 डॉट्स नज़र आएंगे। आप इन डॉट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब ये है कि हमने जो जेंडर दिया, इसके आगे 2 ऑप्शन है ना, ये देखें, ये जेंडर है तो जेंडर के आगे 2 ऑप्शन है, लाइक मेल है और फीमेल है। अब हम जेंडर तो इंटर कर चुके हैं, अब ये ऑप्शन कहाँ से इंटर करें, हम कह देते हैं 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल, ठीक है। हमने क्वेश्चन पूरा इंटर करना है ना, तो हमारे पास ये होगा कि हम लोग रिस्पोंडेंट के आंसर को देखेंगे, तो हम देखेंगे रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो था उसका जो था वो मेल था, तो हम जैसे ही उसका क्वेश्चनेयर इंटर करने लगेंगे क्वेश्चनेयर का डेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर के आगे 1 लिख देंगे, यानी कि वो मेल था। उसके बाद हम एज का लिखेंगे, अगर वो 17 से 20 साल में था, 21 से 24 का था, या 25 से 28 का था, तो हम एज तो इंटर कर चुके हैं। अब हम उनकी वैल्यूज इंटर करेंगे कि क्या वो 17 से 20 का था, 21 से 24 का था, तो 1, 2, 3 हम इनको लेबल देंगे। जब हम वैल्यूज़ को लेबल देंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमारे पास है जेंडर, जेंडर के बाद हम लोग कहाँ पे आए, हमने जेंडर के आगे यहाँ पे वैल्यूज़ पे आते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ पे 3 डॉट्स हैं, इनको क्लिक करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 1 हम नाम दे देते हैं, ठीक है। जब आप डेटा एंटर करेंगे हम आगे चल के, तो आपको समझ आएगी कि इट्स ईजी, कि ईजी होता है कि हम जस्ट 1, 2, 3, 4 इंटर, बजाय इसके कि हम मेल पूरा पूरा लिखते रहें, फीमेल लिखना स्टार्ट कर दें, इससे बेहतर है कि 1, 2, 3। लेबल क्या है, मेल, मेल को हम 1 वैल्यू दे देते हैं, ऐड की कर दी, और 2 जो है वो हम फीमेल को असाइन कर देते हैं, ठीक है, ऐड, ओके, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं एज की तरफ, एज के उस पर ऑप्शन, ये देखें पहले कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएंगे, 3 क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास एज की बात आती है। तो एज जैसे हमने इसके देखा कि 17 से 20 का था, 21 से 24 का था, हम इसको वैल्यू दे देते हैं 1 जो है वो 17 to 20, ठीक है। 2 का ऑप्शन, 2 की वैल्यू दे देते हैं हम लोग 21 टू 24 तक हम दे देते हैं, और 3 का वैल्यू दे देते हैं हम लोग 25 से हम लोग दे देते हैं 28 तक की वैल्यू, ऐड कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी होगी, तीसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं और तीसरे की वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं क्लास। क्लास हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास, क्लास में हमारे पास है बीए और बीएससी, ठीक है। 2 क्लासेस हैं, एक को 1 दे देते हैं नाम और दूसरे को 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगी बीए, ठीक है,
और टू जो वैल्यू है असाइन कर देते हैं हम लोग बी एस सी को। ठीक हो गया, ये हम कर देंगे। फिर इसके बाद ओके, ओके का क्लिक करना ऑप्शन नंबर टू लेगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेजिडेंस, इसी तरह हम जहाँ पे आएंगे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे थ्री ऑप्शंस आएंगे, इनको क्लिक करेंगे हम एरिया ऑफ रेजिडेंस देख लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेजिडेंस में हमारे पास जैसे कि था एक जो है वो हमारे पास रूरल एरिया है और दूसरा अर्बन एरिया है, ठीक है। और उसके बाद इनकम है 10 से 21 और ये देख लें। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे 1 हम दे देते हैं रूरल एरिया को, ठीक है। ऐड किया, 2 हम दे देते हैं अर्बन को, ऐड किया। ऐड करने के बाद ओके सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनकम, इनकम की ये जहाँ पे सेलेक्ट किया 1 हम दे देते हैं, इनकम है 10 से 20, 10 से 20 हज़ार तक की ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमें समझ आ जाए कि यह 10 से 20 है, 21,000। 2 जो है वो हम दे देते हैं 21,000 को, 21 से 30,000 तक। 3 हम दे देते हैं 31 से हम लोग चले जाते हैं जी 40,000 तक ऐड। और चौथे नंबर पे हम दे देते हैं 41,000 से 50,000 तक। और पांचवें नंबर पे अगर उनकी इनकम है, तो जो आपने ऑप्शन दिए हैं इसके अलावा इनकम है उनकी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे अदर्स, ठीक है। वो अदर्स के ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये हमारे पास बेसिक डेटा था जो हमने इंटर किया, और इंटर कौन से व्यू में किया, वेरिएबल व्यू में किया। अब हम चलते हैं कि डेटा क्या, लाइक ये देखें हमारे पास वेरिएबल व्यू में ये हमने इंटर किया, मिसिंग केसेस कॉलम्स, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। स्केल्स की बात करें तो हमारे पास नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, ठीक है, हम इसको नहीं चढ़ते, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये नॉमिनल में आप लोग करना चाह रहे हैं, ऑर्डिनल में बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो है वो नॉमिनल ऑर्डिनल में ही करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं यहाँ पे हम लोगों को स्केल जो है वो साइन करना पड़ जाए तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इन चीज़ों को टच नहीं करना है, ठीक है। हमने क्या किया, जन नेम इंटर किए, ठीक है, उनकी वैल्यूज इंटर कर दी, बाय डिफ़ॉल्ट ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब हम जाते हैं डेटा व्यू की तरफ। डेटा व्यू में हमारे पास ये देख लें, ये हमारे पास आगे वेरिएबल्स कौन कौन से थे, जेंडर था, एज थी, क्लास थी, एरिया प्रेजिडेंस थी, इनकम थी। अब हम देखते हैं कि जो हमने डेटा इंटर किया है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन एयर था, जो क्वेश्चन एयर हमें मिला, जिस जो रिस्पोंडेंट ने दिया, सपोज वो मेल था, हमारे पास वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि वो मेल था, तो हमने मेल जो है वो 1 अगर है वो मेल के लिए सेलेक्ट किया था, और उसकी एज हम कह देते हैं कि वो 17 से 20 साल थी, यहाँ पे भी हम 1 कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कि उसकी जो क्लास थी वो बीएससी का स्टूडेंट था, इट्स मीन कि 2 नंबर असाइन कर देते हैं। एरिया ऑफ रेजिडेंस की बात करें तो वो अर्बन एरिया से था, यहाँ पे 2 कर देते हैं। इनकम की बात करें तो उसकी इनकम थी 41 से 50,000, तो हम लोग जो है या 21 से 30,000, ये हमने 2 को सेलेक्ट किया था, हम 2 को साइन कर देते हैं, ठीक है। एक जो वेरिएबल होगा, एक जो क्वेश्चन ईयर होगा, आप इंटर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम जाते हैं, तो हमारे पास जेंडर वो फीमेल ने जो है वो फिल करके दिया रिस्पोंडेंट ने, एज उसकी थी जो है वो 21 साल, ठीक है, ये हो गया। क्लास उसकी जो है वो 1 थी, यानी बीए थी। एरिया ऑफ रेजिडेंस जो है वो 1 था, यानी उसका रूरल एरिया है। इनकम जो है वो हमारे पास उसकी जो है वो 31,000 से 40, जो कि 3 ऑप्शन बनता है, वो कर दी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के पास जितने भी आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चनेयर, आप उनकी एंट्रीज करते रहेंगे, ठीक है। ये आप जो है वो एंट्रीज इनकी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लासेस का भी यही होगा कि कोई जो है वो 1 के एरिया ऑफ रेजिडेंट 1 या 2 में आएगा, हम बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से कर देते हैं, किसी की इनकम 2 है, किसी की 3 है, ठीक है। अब हमने जो बेसिक, जो सबसे पहला टेस्ट करना है, वो हम जाएंगे एनालाइज की तरफ, ठीक है। हमने इंटर कर लिया पूरा डेटा, इंटर करने के बाद हमारे पास जाए यहाँ पे 50 जो है वो रिस्पॉन्स आए, 60 आए, 200 आए।
अगर हम 200 से ज़्यादा चले जाते हैं तो हम मर्ज कैसे करेंगे फाइल को हम नेक्स्ट टेकिंग की। हमने सबसे पहले डेटा एंटर करना सीखा है, ठीक है। डेटा एंटर करने के बाद जो सबसे बेसिक चीज़ होगी जो आपने फाइंड आउट करनी होगी वो हम जाएंगे यहाँ से एनालाइज की तरफ, ठीक है। कहाँ पे हम लोग गए? एनालाइज, यानी डेटा एनालिसिस से आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने सबसे पहले एनालाइज क्या करना है। तो एनालाइज के ऑप्शन पे गए। यहाँ पे जाने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि कितने रिस्पोंडेंट्स फीमेल थे, कितने मेल थे, कितने की एज क्या थी, यानी बेसिक क्वेश्चंस है ना ये कि किस एज के थे, किस इलाके के थे, कितनी इनकम थी। ये तमाम चीज़ें बेसिक हैं जो हर एक सर्वे में आपने करनी है, और हर एक सर्वे या आपका जो कॉन्टेंट एनालिसिस होगा कोई भी चीज़ जो है वो आप लोग मेजर कर रहे हैं तो उसकी ये बेसिक्स हैं, ठीक है। बेसिक्स में आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद की बात है कि उनके क्वेश्चंस क्या होंगे, लाइक उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहा, उन्होंने कौन से गैजेट्स यूज़ किए, वो रिसर्च क्वेश्चंस में आ जाते हैं, वो हाइपोथेसिस में आ जाएंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरह से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। हमने जस्ट डेटा एंटर करना सीखा, लेकिन डेटा एंटर करते ही जो बेसिक चीज़ आती है, जो बेसिक टेस्ट आता है वो हमारे पास आ जाता है। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, यानी 50 मैंने जो है वो क्वेश्चनेयर भेजे थे तो उसमें से कितने लोगों ने फिल करके दिए और कितने फीमेल ने फिल करके दिए, कितने मेल ने, उनकी एज क्या थी, उनकी क्लास क्या थी, उनका एरिया क्या था, उनकी इनकम क्या थी। ये बेसिक चीज़ें जो हमने हर हाल हर सूरत में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके लिए हम एनालाइज पे जाएंगे, ठीक है। मेन्यू बार में गए और एनालाइज पे गए, ठीक है। एनालाइज में हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की तरफ, ठीक है। बेसिक्स पे हम लोग देख रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाते ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे और फ्रीक्वेंसीज पे ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज के ऑप्शन को क्लिक करते ही आप लोग जो हैं, आपके पास जो आपकी 5 एंट्रीज हैं, ठीक है, 5 वेरिएबल्स हैं, उनको आगे ये देखें, ये है इस तरह से एक ब्लॉक है और इसमें आपने एक को सेलेक्ट किया जो आप पहले करना चाह रहे हैं, एक को सेलेक्ट किया, ये एरो का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें, नेक्स्ट ऑप्शन में चला जाएगा। एज पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपके पास चाहे 100 जो है वो रिस्पॉन्सेज हैं, 200 हैं, कोई इशू नहीं है, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे क्योंकि हमने एंट्रीज 5 की हैं तो हमारे पास ये सामने आ जाएंगे। हमने हर एक को नेक्स्ट ब्लॉक में सेंड करना है, क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे और ये आगे चला जाएगा, ठीक है। आप ये देखें, ये इस तरह से क्लिक हो गया। अब हम स्टैटिस्टिक की बात है तो हम इसको नहीं छेड़ते, ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। चार्ट्स की बात है तो आपको चाहिए चार्ट, तो हम यहाँ पे बार चार्ट ले लेते हैं, कंटिन्यू। ये देखिए चार्ट पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज बाय डिफ़ॉल्ट हैं क्योंकि हमने एनालाइज के ऑप्शन पे जाते ही फ्रीक्वेंसीज का टेबल लिया था, तो कंटिन्यू। फॉर्मेट हम जो है वो नहीं छेड़ेंगे, असेंडिंग वैल्यूज, डिसेंडिंग वैल्यूज, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है। क्या करना है, एनालाइज पे जाना है, एनालाइज पे डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव से फ्रीक्वेंसी, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव और फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज क्लिक करेंगे आपके पास ये ब्लॉक आएगा, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल से इस साइड पे शिफ्ट किया, यहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक को नहीं छेड़ा, छेड़ना चाहें तो आप छेड़ सकते हैं, मीडियन मोड जो भी क्लिक करना चाहें, जो डिमांड हो, चार्ट्स करना चाहें तो हमने बार चार्ट क्लिक कर दिया, फॉर्मेट करना चाहे तो हम फॉर्मेट को नहीं छेड़ेंगे। और यहाँ पे डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल को लाजमी क्लिक करें कि वो आपके पास टेबल जनरेट होके आ जाएंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं ये तमाम चीज़ें करने के बाद, इन चार्ट्स में हमने क्लिक किया और फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, ओके कर दिया। अब क्या हुआ कि आपके पास एक आउटपुट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट ओपन हुआ तो आपके पास ये तमाम डेटा आ गया जो हमने वैसे आप गिनते रहते कि इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, एसपीएसएस ने आपका काम इजी कर दिया। यहाँ पे आपके सामने इंटर हो गया डेटा और इंटर होने के बाद उसने रिजल्ट जनरेट करके दे दिए जो कि फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में थे। ये देखें स्टैटिस्टिक्स हैं, मिसिंग केसेस कोई भी नहीं है, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने कुछ वैल्यूज मिसिंग की हो, हमने तमाम वैल्यूज दे दी थी। अब यहाँ पे देखें ये व्हाट इज़ योर जेंडर, पहला क्वेश्चन ही यही था कि कितने लोग जो है वो मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये एसपीएसएस व्यूअर यानी आउटपुट डॉक्यूमेंट जो होगा उसमें हमारे पास आ गया व्हाट इज़ जेंडर, जेंडर जो थे मेल 2 थे, फीमेल 2 थी, टोटल 4 थे,
ठीक है। नेक्स्ट एज की बात करते हैं तो 17 से 20 साल वाले लोग जो थे वो हमारे पास वैलिड परसेंटेज को हम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी 2 थी, परसेंटेज 50%, फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है तो परसेंटेज 50%, यानी 2 मेल थे और 2 जो है वो फीमेल थी, ठीक है। ये हो गया क्लास की बात करें, बीए के स्टूडेंट भी 2 हैं और बीएससी के स्टूडेंट भी 2 हैं, ठीक है। इस तरह से एरिया ऑफ रेजिडेंस की बात कर लें, ये देखें आप, ये तमाम टेबल बनने के बाद ही आपके नीचे उनके ग्राफ भी जो आपके पास थे वो शो हो रहे हैं। एज है, एज का ग्राफ देख लें, ठीक है, एरिया का देख लें, ये तमाम आपको नीचे ग्राफ भी नज़र आएंगे जो कि हमने बार चार्ट यूज़ जो है वो सेलेक्ट किया हुआ था, बार चार्ट जो है वो आया हमारे पास सामने। अब ये तमाम करने के बाद आपने क्या करना है कि हमने, ज़ाहरी बात है हमने वर्ड की फाइल में जो है वो हमने डेटा एंटर करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे कॉपी और हमने जो हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा जो हम लोग यहाँ से न्यू ले लेते हैं, वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा हमने उस पर ये पेस्ट कर देना, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, फिर हम गए अपनी एंट्रीज को, एज को लिया, कॉपी किया और वर्ड की फाइल में आके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप जितनी भी एंट्रीज वहाँ पे होंगी, हमने जो चीज़ लेनी है एसपीएसएस में रिजल्ट की फॉर्म में वो हमने ये टेबल्स लेनी है, लेकिन अगर आप चाहें, आपकी डिमांड है रिसर्च की, तो आप नीचे जाके यहाँ से क्या कर सकते हैं, नीचे से आप लोग यहाँ से नीचे आएँ तो ये आपके पास ये ग्राफ है, ग्राफ को भी कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करें और वर्ड की फाइल में आएँ, यहाँ पर आते ही कंट्रोल वी प्रेस कर दें, ये आपका एज का आ गया। अब हमारे पास ये है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फॉर्मेट होता है इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। हम यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ से पकड़ के करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे आएंगे होम पे, होम पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एसपीएसएस जनरेट करता है फॉन्ट वो एरियल होता है, लेकिन हमने करना है टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमने जो एकेडमिक राइटिंग होती है, थीसिस राइटिंग होती है, वहाँ पे टाइम न्यू रोमन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपका लगेगा कि आपने वर्ड में ही टेबल बनाया। और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं साइज 12 क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट कर, इसको भी सिलेक्ट, आपके पास जितने भी रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है, ये नहीं हमारे पास 2 टेबल्स हैं, नहीं, जितने रिजल्ट्स आए हुए हैं आपने क्या करना है उनको जस्ट ये देखें, ये है ना, सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास मूव का ऑप्शन नज़र आता है, ये देखिए ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर से इसको क्लिक करें, होम पे जाएं, होम पे जाने के बाद इसकी लैंग्वेज को चेंज करें, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करें, उसके साइज़ को चेंज करें, उसकी लोकेशन को चेंज करें। ये करने के बाद आप लोग जो हैं वो इसको सेव कर सकते हैं फाइल में जाके और यहाँ पर से सेव, यानी जो डेटा आप करते जा रहे हैं आप जो है वो उसको सेव कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है वो किसी भी जो आपका करना चाहें, जिसमें भी आप डाउनलोड में कर सकते हैं, जिसमें आप एसपीएसएस इंट्रोडक्शन, ठीक है, एसपीएसएस जो है वो इंट्रोडक्शन में आप जो है वो इसको आपके पास, मैं एसपीएसएस इंट्रोडक्शन इसलिए कर रही हूँ कि आपकी ये पहली क्लास थी और मेरे पास जो डेटा जनरेट होगा वो एसपीएसएस इंट्रोडक्शन में सेव हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये जो है हमने डेटा इंटर करना सीखा है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ डेटा इंट्री में समझ नहीं आई, ताकि हम लोग फर्दर उसके ऊपर बात कर सकें, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गेन की हो, तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें अगर आप सीखना चाह रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव, और इसके साथ साथ ये वीडियो अपने कलीग्स, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।